गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हुआ है 8:15 और मैं उठ के तैयार हो गया था। अभी ऑफिस के लिए बैठना है, घर से ही काम करूँगा। कबीर की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार हो रखा है, तो आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, तो 1 बजे डॉक्टर के पास जाना है। टिल देन अभी काम स्टार्ट करना है। पूजा और कबीर दोनों दूसरे कमरे में सो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ। तो ऑफिस स्टार्ट करते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। जो टेम्परेचर है ना वो -1 है, वाइट वाइट है ना, वो स्नो है लोगों की छत। आपको दिख रही है यहाँ पे सामने, सो ये सारा जो है वाइट वाइट, ये स्नो है। तो रात स्नो ही है, ये देखो ये स्नो है। चलो भाई अंदर चलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और नए दिन के साथ आज धूप निकली है, नए दिन की शुरुआत करते हैं। चीज़ें तो थोड़ी सी ऐसी चल रही हैं क्योंकि लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने बताया था कि कबीर की तबीयत ठीक नहीं थी और आज हम लोग की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ कबीर की दोपहर में। तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, धूप निकली है, लेकिन धूप देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जो है वो है -1। स्नो पड़ी हुई है लोगों की छतों पर, गाड़ियों पर, तो ठंड काफ़ी है। बट हाँ, एटलीस्ट साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है मॉर्निंग में। तो बस अभी हम लोग उठ गए हैं, विक्रांत अपना काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो काफ़ी पहले उठे थे, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। कल रात विक्रांत बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे कि इसका ना फेस, जब भी फीवर आ रहा है तो उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है। होता है रेड इसका जब फीवर आता है, हाई फीवर आता है, बट कल कुछ ज़्यादा ही था। तो सिम्टम्स थोड़े से नॉर्मल जैसे इसके सिम्टम्स होते ना, उससे थोड़े अलग थे। तो वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज डॉक्टर से। और कई लोग सोचेंगे कि आपने 2 दिन क्यों लगा दिए, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे बहुत जल्दी नहीं मिलती है। एंड स्टार्टिंग के 1 दिन 1.5 दिन डॉक्टर खुद बोलता है कि आप जो बेसिक बच्चों की SOS होती हैं वो आप दीजिए और उनसे देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, कितना नहीं फर्क पड़ रहा है, एंड देन आप हमारे पास आइए। अपॉइंटमेंट मिल गई है दोपहर की, जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर बताती हूँ कि क्या 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 कहा डॉक्टर ने, इस तरीके से आगे मेडिकेशन शुरू करनी है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए, जब भी आप ये देख रहे हो, जिस भी दिन देख रहे हो वो दिन आपका बहुत अच्छा जाए, बहुत पॉजिटिव जाए। तो चाय फिनिश करते हैं और फिर आप देख रहे हो इस बच्चे को, कोई कहेगा ये बीमार है? इस लड़के ने 2 दिन से हमारी बैंड बजाई हुई है, अभी दवाई देके थोड़ी एनर्जी आई ना, तो अभी इसको एनर्जी अपनी ऐसे लगानी है। बेटा बस जाने वाले हम डॉक्टर के पास थोड़ी देर में। सो जी फाइनली पूरा घर हो गया है क्लीन और अब बड़ी शांति पड़ी है यार। 2-3 दिन से सच में ढंग से सफाई नहीं हो पा रही थी, बस वैक्यूम वैक्यूम हो पा रहा था 2 दिन से और कुछ कबीर के चक्कर में, बट अब सारा क्लीन हो गया है ना, तो अब मुझे शांति आई है सीरियसली। सो जी वैसे तो धूप निकली है लेकिन जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री और कैब आ गई है हम लोग की। मस्त धूप निकली है ना। हाँ आज धूप निकली है लेकिन ठंड है, जिस दिन धूप निकला है उस दिन उसका टेम्परेचर कम होता है। हाँ और ये देखो ये बैठे हैं और कह रहे हैं मेरे पैर नहीं आ रहे। मैंने कहा अभी तो पापा जितना हुआ भी नहीं है, जब पापा जितना होगा तो ये दिक्कत मुझे समझ में आती है कि तेरे पैर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट हो, गाड़ी हो, बस हो, पर अभी छोटू के इनके पैर नहीं आ रहे हैं। देखो इसने पागल बनाया हुआ है भाई, हमें सीरियसली बता रहे हैं, माँ बाप ना परेशान हो चुके हैं। हर 15 दिन में हमारी डॉक्टर विजिट हो रही है, ऐसा लगता है जैसे हम उसके साथ डेट मारने जाते हैं। जी हम आ गए, बताइए आप कैसे हैं? थोड़े से वो ओल्ड मैन है बट काफी एक्सपीरियंस हैं, तो मतलब हमें हाँ विक्रांत को समझ में आते हैं, तो वो एक मेजर पार्ट है। तो बस उनके पास जा रहे हैं, दिखाते हैं। तो एक मेन कंसर्न हमारा इस समय ये है कि एक तो हाई फीवर इतना क्यों जा रहा है एंड बॉडी पे इसको ना इचीनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है जो मैंने बताया था, तो वो एक मेन कंसर्न है, वो डॉक्टर से जाके पूछना है। और एक दो इसकी वैक्सीनेशन आई हुई है वो भी लगवानी है, तो वो भी पूछना है। तो ये सारे हमारे कंसर्न है आज के जो हम जाके उनसे क्लियर करेंगे। तो चलिए गाड़ी बहुत हिल रही है, पहुंचते हैं, आते हैं वापसी, तो फिर बताते हैं कि क्या रहा, क्या डॉक्टर ने क्या कहा। तो यहाँ देखो डॉक्टर ने ना कितनी सारी मैगजीन्स रखी हुई है अपने वेटिंग रूम में ताकि आए और पढ़े, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है एंड वो देखो वेट कर रहे हैं। हाँ वो कभी ही पढ़ सकते हैं ना, हम नहीं पढ़ सकते। वी आर वेटिंग। तो जी आ गए हम लोग घर और अभी अभी पहुंचे, बस जैकेट वैकेट उतारी है सबने, तो मिल लिए हम डॉक्टर से।
तो अब डॉक्टर ने एग्जैक्ट क्या बताया वो ये बताएंगे। डॉक्टर ने यही बोला है कि अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या है, लेकिन वायरल है फिलहाल, तो कोई वायरस है, लेकिन वो कह रहा है कि 4-5 तरह के वायरस का अंदाजा हो रहा है सिम्टम से, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि फ्राइडे को दोबारा से आओ, तब तक पता लगेगा एवोल्यूशन होगा उसका, क्या वायरस कैसे बिहेव कर रहा है और कोई नया सिम्टम आ रहा है या नहीं आ रहा, या हो सकता है तब तक इसका बुखार उतर भी जाए, लेकिन वो कह रहा है फ्राइडे को जरूर आके दिखा के जाओ, तो उसके बेसिस पे वो देखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको जीपी अलाइन होता है, तो हमने इसको अब अलाइन कर लिया है, हमारा एक तरह से फैमिली डॉक्टर है, तो उसके पास पूरी हिस्ट्री रहती है, तो इसलिए भी उसने बुलाया कि फ्राइडे को आके बता के जाओ कि इसका क्या कंक्लूजन क्या निकला, और अगर नहीं उतरता तब तक बुखार, तो फिर वो देखेगा कि वायरस एक्चुअली अभी एंटीबायोटिक आगे देना है या नहीं देना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ वायरल है तो एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, वो कह रहा है सिर्फ पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन, वही सेम मेडिकेशन जो हम लोग ऑलरेडी इसे 1.5-2 दिन से दे रहे हैं, वही अभी सेम आगे कंटिन्यू करनी है। बस ये बोला है कि स्कूल नहीं जा सकता अभी, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता घर पे रेस्ट करेगा, और जैसे मैंने पहले बताया था कि इम्यूनिटी अभी इसकी वो छोटे बच्चे वाली है, वो अभी जब बाहर निकल रहा है तो वो धीरे धीरे कहते ना वो अंगड़ाइयां मार रही है, और अंगड़ाइयां मार मार के हमें घूसे मार रही है, लिटरली हो रहा है, हर तरह का वायरस एक बार इसको तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, एक बार वो पूरा सर्कल होगा, इसकी एंटीबॉडीज बनेंगी, और नेक्स्ट टाइम होपफुली नेक्स्ट ईयर इससे बहुत बेटर हो रहेगा। तो ये वाला, क्योंकि ये वाले सिम्टम्स भी इसके लिए, अभी तक 5 साल का हो गया मैंने, ये वाले सिम्टम्स मतलब सिर्फ बुखार हो रहा है और हल्की सी रेडनेस हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, मतलब ना कोई गला खराब, ना कोई जुकाम, कुछ नहीं है। तो ये पहली बार जा रहा है, हाँ, फीवर भी एकदम 102-103 जा रहा है, हर 4-6 घंटे में फीवर वापस आ रहा है, और एक बीच में मतलब कल तक 102 था, आज तो इवन 104 तक भी एक बार चला गया था, तो वही है, वायरल है, तो एक बार तो तंग करेगा ही। हमने डॉक्टर से पूछ लिया था क्या हम इसको बाद दिला सकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप दिला सकते हो, बट फ्रीक्वेंसी कम रखनी है और ज्यादा रब नहीं करना है बॉडी को, तो अभी के लिए वही करते हैं। अभी इसको थोड़ी देर में थोड़ा बैठेगा, दवाई देती हूँ, देन उसको बाद दिलाती हूँ, एंड देन आगे काम शुरू करती हूँ। इनका तो ऑफिस चल रहा है, तो ये तो जा रहे हैं अपनी मीटिंग्स लेने के लिए। yes. तो दिन का शुरुआत करते हैं। दिन आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली है, मतलब डॉक्टर से तो भाई ये तो ऐसे बात कर रहे थे, डॉक्टर पूछ रहे हैं इनसे कि अच्छा मुझे ये बताओ हिंदी में हेलो डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो कभी हिंदी में हेलो डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नमस्ते डॉक्टर। तो उसने नमस्ते भी की इसको। थोड़े ओल्ड है, ओल्ड एज में है, बट एक्सपीरियंस जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड बहुत है, और लेकिन जो फीस भी डबल चार्ज करते हैं, जो देख के अच्छे से बता भी दे कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या सोच रहे हैं, है ना, तो हमें भी तसल्ली रहती है। अब उसने अच्छे से बता दिया तो हमें तसल्ली है कि चलो शुक्रवार तक हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना क्या होता है, कई डॉक्टर होते हैं कि हाँ डोंट वरी, बस यही कंटिन्यू रखो, हमें पता भी नहीं क्या कैसे। ज्यादातर डॉक्टर बताते नहीं है, बट इनको वही डॉक्टर समझ में आते हैं जो प्लस माइनस बता के चले, ये प्लान ऑफ एक्शन है, ये हो सकता है, ये होने के कारण है, तो वही इनको समझ में आते हैं। तो ठीक है, वो अब हो गए हैं फाइनली, और उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं, तो बस अब लगते हैं आगे अपने सारे काम पे। दिन बहुत ही खूबसूरत है, मैं दिखाती हूँ बहुत के बाद, यार आज एक ये मौसम निकला है, ओ हो, सो नाइस यार, फील सो नाइस। वो गर्म गर्म अभी ना हल्का लग रहा है, तपन आ रही है धूप की, कितने दिनों के बाद यार, कितने दिनों के बाद, बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही, इतना खुला, बस ऐसी रहे, ठंड झिल जाएगी, लेकिन यार ये आसमान नहीं खुलता है ना, तब बड़ी दिक्कत होती है। बालकनी तो गीली है, सॉक्स भी गीली हो जाएंगी, बालकनी गीली है बट सूख जाएगी, अब ना मौसम खुला थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बर्फ बर्फ सब पिघल गई है, सुबह दिखाया था ना सब वाइट वाइट हो रखा था वहाँ पे, सब पिघल गई है। इसको दवाई देती हूँ, एंड देन बात दिलाना है इसको, थोड़ी देर इसको नहला दिया है और वो अपना खा रहा है बटर पाव, एंड देन हम लगते हैं अपने काम पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग वर्क है मेरा इस समय पे। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे कितने कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, जस्ट वेट, सारे कपड़े प्रेस करने आ रहा है, मिस माय वाले भैया यहाँ पे ना, मुझे इतने सारे कपड़े प्रेस करने हैं, सी माई लास्ट 40 मिनट्स की मेहनत, एंड ये शर्ट जिसने मुझे इतना रुलाया है, और अगर मैं क्लोजअप करूंगी ना तो इसमें अभी भी सलवटें दिखेंगी, बाबा ये प्रेस ही नहीं होके दे रही है, कॉटन शर्ट ने बुरा हाल कर दिया, देखो दोपहर से लगी थी, शाम होने को आई है, कितना सुंदर लग रहा है ना देखो, और मैं अभी भी यहीं बैठी हूँ, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, काम जारी है, और अभी भी बहुत कपड़े बचे हैं,
तो इट्स अ टफ डे फॉर मी यार, सीरियसली टफ। आज मुझे मेरे प्रेस वाले भैया और प्रेस वाली आंटी के लिए ना इतनी इज्जत आ रही है, सच बता रही हूँ आंटी, अगर आप देखते हो ना मेरे ब्लॉग गाजियाबाद से तो भाई सल्यूट है, मेरी कमर टूट गई है लिटरली यार कपड़ों को प्रेस करते करते, सच बता रही हूँ। क्यों इतने कपड़े पहनते हो, क्यों कपड़े धोने पड़ते हैं? क्योंकि विंटर है, विंटर क्योंकि स्विमिंग गॉगल्स देख लो, दो मिनट दवाई लेके एनर्जी आती है तो भाई ऐसे हो जाते हैं जैसे आई एम द सुपरमैन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ भाई। आई कैन फ्लाई, ये देखो आई कैन फ्लाई, बस बस निंजा निंजा प्लीज प्लीज निंजा अपनी माँ को शांति दे प्लीज निंजा, सिट डाउन, माँ बाप पे रहम, माँ बाप पे रहम। सीरियसली यार निपटाते हैं यार ये काम, विक्रांत भी मैं भी, बस और कुछ 5-10 मिनट में आने वाले हैं मतलब अपना ऑफिस का काम से फ्री होकर, तो फिर कुछ खाने का बनाना है, देन फिर खाना बनाना है, देन फिर एडिटिंग करनी, मतलब बट कोई नहीं, होगा जज्बा होगा होगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं निपटाती हूँ, करती हैं करते हैं। आज आपको पता है मैं जितने भी प्रेस वाले भैया और प्रेस वाली आंटी हैं आज मैं उनके चरणों में गिर के प्रणाम करना चाहती हूँ। टी शर्ट देखी थी भाई साहब की कितनी थी, अभी धीरे धीरे हमें सब यहाँ आने के बाद तो हमारे पास सफाई वाले के लिए, खाना बनाने वाले के लिए, कूड़े वाले के लिए, हाँ यार, कूड़ा है, वाला है, और यार। क्या है अभी अभी प्रेस वाले के लिए, तो हम सबके लिए इज्जत, तभी तो बाहर वाले लोगों को ज्यादा इज्जत होती है। इज्जत इज नॉट, इज्जत नहीं मतलब मैं कहूंगी कि दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना उसको जाके वो करूंगी, यही तो कह रहा हूँ कि वैल्यू ज्यादा होती है। ओह गॉड, मतलब मैं कब से लगी लगी है, कब तक मेरा चलता रहा, पर फाइनली यार मेरे प्रेस के कपड़े हो गए हैं, विक्रांत काफी लेट फ्री हुए अपने ऑफिस के काम से, एंड इनको देखिए। हाँ जी, ठंडी हो गई है तो मैं रो गई हूं, ठंडी लग रही है, पापा ने कर्टेन नहीं बंद किया होगा वहां का ऑफिस का, बंद कर दिया मैंने, लेकिन इसका भी टाइम हो गया दवाई का, टेम्परेचर देखो इसका एक बार, बस जितनी देर दवाई का असर रहता है उतनी देर भाई साहब ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर इनका हो जाता है। तो जी खाना पीना हो गया है, किचन ऑल क्लीन, अब मशीन में लगाने हैं कपड़े तो वो लगाते हैं, और वो देखो वहां पे सोने चले गए हैं। मैं आई कम इन, गुड नाइट, कल मिलेंगे, कबीर से गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलेंगे, बाय नौटंकू, बाय 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 बाय।